एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो जाता है ये फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से ये सॉफ्ट रहता है और ऊपर से क्रिस्पी बनता है और बहुत ही यमी मतलब बनता है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो आपको पता चलेगा ये कितना ईजी है बनाना। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कप यहाँ पर मैं पोहा ली थी, आधा कप, तो ये मैं धोई थी, मतलब 5 मिनट के लिए रेस्ट करके छोड़ दी थी यहाँ इसको। तो ये फूल के 1 कप हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू मैं उबाल करके ली हूँ फ्रेंड्स। तो उबाल करके उसके बाद कद्दूकस मैं यहाँ पे कर ली थी, और एक मैं प्याज बारीक काट करके यहाँ पे ले रहे हैं हम। तो आप मतलब ज़्यादा भी मतलब ले सकते हैं प्याज। उसके बाद 2 हरी मिर्च यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे हम डाल रहे हैं, तो आपको बारीकी काटना है एकदम अच्छे से। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे ब्लैक पेपर, तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर कूट के ली हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे तिल, सफ़ेद वाला जो तिल आता है ना वो हम ले लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे डालेंगे चिली फ्लेक्स, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जीरा, साबुत जीरा यहाँ पे डालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इसको मैश करके डालें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है डालने से। उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। तो इसको हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही बनाना, और हेल्दी भी है, टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है फ्रेंड्स, और बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। जब भी आपको खाने का मन हो मतलब चटपटा नाश्ता, तो आप ये बहुत ही झटपट में आप बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सुबह में भी बना सकते हैं, शाम में भी बना सकते हैं, और कोई गेस्ट आए तो ये झटपट में बना करके आप खिला भी सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये नाश्ता। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और आप फ्रेंड्स आपको आलू जो ऐड करना है आप कद्दूकस करके डालिएगा, नहीं तो ये गुठलिया इसे तोड़ के हाथ से ऐड कीजिएगा तो ये गुठलिया इसमें पड़ जाता है, तो फिर आपको नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, जब भी आप उबला हुआ आलू ऐड कीजिएगा कोई भी नाश्ता में, तो आप कद्दूकस करके डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल गुठलिया नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ये बाइंड हो गया है, मैं मिक्स कर ली हूँ सभी चीज़ों को, तब हम नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथों में तेल लगा करके अच्छे से चिकना कर लिए हैं, और यहाँ पे मैं नींबू का आकार, जैसे नींबू होता है ना उसी आकार को मैं यहाँ पे लोई ले रही हूँ थोड़ा सा, और ये आपको राउंड शेप करने के बाद आपको लंबे शेप में मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ, लंबे शेप आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से ये मतलब हो जाता है। और आप इसे टिक्की जैसा भी बना सकते हैं, और ये जैसे लड्डू होता है वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग आज मैं बता रही हूँ आपको, इसको अच्छे से आपको लंबे शेप में आपको देना है सेब, और ये बहुत ही प्यारा लगता है ऐसा सेब देने में, बहुत ही सुंदर ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो वैसा ही करके हम फिर से आपको बता दे रहे हैं दोबारा, तो आपको ऐसे ही आपको ले करके आपको लंबे शेप में आपको बना लेनी है, और ये जब फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स ये नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे ही करके हम इसको भी हम बना लेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे ही करके चारों तरफ से ये मतलब ये चकोर जैसा होता है ना वैसे हम बना लेंगे, थोड़ा सा चकोर करके लंबा शेप कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही करके एक एक करके मैंने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं पैन ले ली हूँ, और गरम मतलब यहाँ पे ज़्यादा तेल ऐड नहीं करेंगे, बस 2 चम्मच के करीब, 2-3 चम्मच के करीब यहाँ पे तेल ऐड करेंगे, और थोड़ा सा तेल में इसको हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके आपको अच्छे से तेल गर्म होने के बाद ही आपको ऐड करना है, और बीच बीच में आप देखते रहिएगा, और ये आपको अच्छे से अलट पलट देना है, और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पका लेना है अच्छे से।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से ये बन जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसको देखिए अच्छे से हम इसको अलट पलट देंगे और इस आप देख सकते हैं ना इसमें कितना अच्छा से ये गोल्डन ब्राउन होने तक ये इस मतलब गोल्डन हो गया है और बहुत ही अच्छा से ये बन के रेडी हो गया है। तो ये आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा तेल में यहाँ पे स्लो फ्राई कर रही हूँ, तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, थोड़ा एक से दो मिनट हम और पका लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए पक चुका है तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया बन करके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो फिर से हम और भी बच गया था तो इसको भी हम मतलब फ्राई कर लेंगे उसी तरीके से जैसे मैं बताई हूँ, उसे ही आपको फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं ये टूट बिल्कुल टूटता नहीं है फ्रेंड्स, आराम से आप पलट पलट कीजिए बिल्कुल नहीं ये टूटेगा। तो ऐसे ही करके आपको फ्राई कर लेना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इतना इजी है बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है बना और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है ये खाने में। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके से बनाना फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है नाश्ते की और मिठाई की, आप ज़रूर मतलब चेक कीजिएगा, बहुत ही आसानी से मैं आसान तरीक़ा से मैं बता ही हूँ, बहुत ही ईजी तरीक़ा से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और मैं सर्व की हूँ और देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और अंदर एकदम रुई की तरह सॉफ्ट है और बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सॉस के साथ भी खा सकते हैं या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।